हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था विद्युत रसायन, उसके अंदर अपने टॉपिक समाप्त किया था कोलराउस का नियम। आज का अपना टॉपिक शुरू हो रहा है विद्युत रासायनिक सेल। टॉपिक क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। सबसे पहले देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। तो वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। यानी रासायनिक ऊर्जा किसे बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले प्रक्रिया साधन क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। इन विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या? गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। अब इन गैल्वेनिक सेल या वोल्ट सेल, विद्युत रासायनिक सेल की कार्य प्रणाली को समझने के लिए जिस सेल का एग्जांपल या उदाहरण लिया जाता है वो है अपना डैनियल सेल। तो किस सेल की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे अपन? डैनियल सेल। ठीक है, ये अपना 11th में भी जो ऑक्सीकरण और अपचयन वाला चैप्टर था उसमें भी था अपना डैनियल सेल, उसी कार्य प्रणाली हल्की सी दे रखी थी, सेम वही है। उसी का हल्का सा अपने और आगे पुत्रों पर उनका अध्ययन करना है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं अपन डैनियल सेल। तो डैनियल सेल का जो डायग्राम बन रहा है ये अपना डैनियल सेल का है। तो इसमें क्या होता है, एक धातु की छड़ होती है जो उसी के विलयन में डूबी होती है। जैसे एक ले ली मैंने जिंक की छड़, क्या ले ली? ये जिंक की छड़ है, इसी के विलयन के लौहों के विलयन यानी किसमें डूब रही है? जिंक सल्फेट के विलयन में डूब रही है। दूसरे कॉपर की छड़ है, तो किसमें डूब रही है? कॉपर सल्फेट उसी के लौहों के विलयन में डूबी रही होती है। ठीक है, इन दोनों विलयनों को एक यू आकार की नलिका से जोड़ दिया जाता है जिसे कहते हैं लवण सेतु। इसे के लिए एक यू आकार की नलिका, इसे क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। इसमें एगार एगार जल या केसीएल का संतृप्त विलयन भरा होता है। ये भी क्वेश्चन आता है लवण सेतु क्या है, इसके कार्य लिखे। तो लवण सेतु क्या होता है, ये एक यू आकार की नलिका होती है जिसमें एगार एगार जल या केसीएल का संतृप्त विलयन भरा होता है। कार्य क्या है, ये दोनों डूबी हुई होती है और इन दोनों विलयन के यू आकार के नलिका से जोड़ दिया जाता है। यू आकार की नलिका को कहते हैं लवण सेतु कहते हैं। इसमें एगार एगार जल केसीएल का संतृप्त विलयन भरा होता है। ठीक है, इसे लवण सेतु कार्य क्या होता है, दोनों अर्ध सेलों को जोड़ना तथा सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। तो जैसे ही इन दोनों छड़ों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो चालक तार से जोड़ने पर इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक की छड़ से, इधर देखिए मैंने तीर के निशान लगा रखे, ई पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक की छड़ से किधर की हो रहा है? कॉपर की छड़ की हो रही है। जबकि दूसरा लिख रहा है विद्युत धारा का प्रवाह में तीर के निशान ऐसे लग रही है, विद्युत धारा के प्रवाह की दर कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर, यानी जिस तरह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है जिंक से कॉपर की छड़ की ओर और विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉन प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर और विद्युत धारा प्रभाव होता है कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर। यहाँ जो जिंक की छड़ होती है वो कार्य करती है एनोड का और जो कॉपर की छड़ होती है वो कार्य करती है कैथोड का। ठीक, धातु का यह गुण होता है कि जब उनको उनके लवणों के विलयन में डुबाया जाता है, रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ठीक है, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में रखी जाती है इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रवृत्ति रखती है, जबकि कॉपर को कॉपर की सल्फेट के विलयन में रखा जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रवृत्ति होती है। पर जिन धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मान अधिक होता है वो इलेक्ट्रॉन पहले त्यागते हैं। जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर की तुलना में अधिक होती है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ता है, पहले त्यागता है और कॉपर फिर उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसलिए जो जिंक है ये कार्य करेगा एनोड का और जो कॉपर है वो कार्य करता है कैथोड का। ठीक है, इस प्रकार इस प्रत्येक भाग को कैथोड और एनोड को इसको कहते हैं अर्धसेल। क्या कहते हैं? अर्धसेल। एक अर्धसेल दोनों को जोड़ने पर जो बनता है ये संपूर्ण सेल। क्या बनता है? संपूर्ण सेल। जैसे इसमें चालक तार से जोड़ने उदाहरण चालक तार से जोड़ने से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होगा, जबकि
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड को, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पर होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कैथोड पर होती है अपचयन अभिक्रिया। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड एनोड कौन होगा, जिंक की छड़। तो एनोड पर क्या होगी, जिंक इजकल टू जिंक टू प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन भारपूर्ण से बिक्रिया हुई ऑक्सीकरण, क्या होती है ऑक्सीकरण। और कैथोड का कॉपर टू प्लस, इन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा जिससे बदल जाएगा कॉपर में, यह कौन से बिक्रिया हुई अपचयन, कौन से बिक्रिया है अपचयन। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, अर्धशैल अभिक्रिया। क्या कहलाती है, अर्धशैल अभिक्रिया। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, अर्धशैल अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है अर्धशैल अभिक्रिया किसे कहते हैं, डैनियल सेल के किसी एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। अर्धशैल अभिक्रिया किसी डैनियल सेल में किसी एक इलेक्ट्रोड पर, ये किसका कार्य करेंगे, इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे, जिंक की छड़ों पर एक इलेक्ट्रॉन पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, अर्धशैल अभिक्रिया। किसी एक पर तो एनोड पर लिख दो चाहे कैथोड पर, वो कहे कि एनोड पर लिखिए तो एनोड के लिखने पर ऑक्सीजन हो पाए, कैथोड के लिख दो कैथोड को लिखनी पड़ेगी अपचयन अभिक्रिया, इसे कहते हैं अर्धशैल अभिक्रिया। अगर संपूर्ण सेल की बात करें तो संपूर्ण सेल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, जिंक प्लस कॉपर टू प्लस इजकल टू जिंक टू प्लस प्लस कॉपर, यह क्या था कि संपूर्ण अभिक्रिया। इस प्रकार अपनी कौन सी अभिक्रिया हो रही, ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही। इस ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप सेल में क्या होती है, विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने डैनियल सेल था, तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी थी, ऑक्सीकरण, कैथोड पर कौन सी हो रही थी अपचयन अभिक्रिया, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, अपनी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक, तो डैनियल सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। वो अभिक्रिया कौन सी होती है अपनी, ये। ठीक, तो ये तो इस प्रकार जैसे सेल कार्य करता रहेगा, तो यहां एनोड पर तो क्या है, जिंक गलेगा, एनोड पर क्या है, जिंक गलेगा, और कैथोड पर ऊपर क्या होगा, निक्षेपित होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है संपूर्ण सेल में जब तक यह लवण सेतु लग रहा है, लवण सेतु हटा दे प्रक्रिया बंद हो जाती है। इस प्रकार ये अपना था ये डैनियल सेल। ठीक, अब इसको सेल किसी पे अभिक्रय देता है तो उसको सेल अभिक्रियको में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं सेल आरेख। क्या बोलते हैं, सेल आरेख। सेल आरेख को कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित करने, सेल अभिक्रिया या सेल आरेख। तो सेल आरेख को मैंने आपको 11 में बताया, आपको ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा होगा। किसी भी अभिक्रिया को सेल अभिक्रम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो एनोड को लिखते हैं बाईं ओर और कैथोड को लिखते हैं दाईं ओर। पहले किसको लिखते हैं, एनोड को, फिर लिखते हैं कैथोड को। एनोड को लिखते समय पहले धातु को लिखते हैं और फिर लिखते हैं धातु आयन को। पहले किसको लिखते हैं, धातु को, फिर लिखते हैं धातु आयन को, और आयन के नीचे ब्रैकेट में पोस्ट मुश्किल सांद्रता लिख दी जाती है, और दोनों के बीच में ऐसी खड़ी रेखा प्रदर्शित की जाती है जिसे कहते हैं लवण सेतु। फिर लिखते हैं अपन कैथोड को, कैथोड में पहले लिखते हैं धातु आयन को, फिर लिखते हैं धातु को। जैसे अपने पास ये संपूर्ण अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, डैनियल सेल की, इसको सेल अभिक्रिया हम कैसे लिखें, पहले लिखेंगे एनोड को। क्या लिखेंगे, एनोड को। एनोड क्या है, जिंक, उसमें पहले लिखते हैं धातु को, धातु क्या है, जिंक, और नीचे लिखेंगे Sn यानी सोडियम। फिर लिखेंगे धातु आयन को, दोनों के बीच में एक खड़ी रेखा ऐसे। फिर लिखेंगे धातु आयन, धातु आयन क्या है, जिंक टू प्लस एक्वस, जिंक टू प्लस एक्वस, और ब्रेक में लिखी जाती है इसकी
स्थान पर जितने जैसे में लिख दी वन ए ठीक। ये अपना क्या होगा एक अर्ध सेल हो गया, यह हो गया एक अर्ध सेल। अब लिखेंगे कैथोड को अपन दोनों के बीच में ऐसी एक खड़ी रेखा प्रदर्शित करेंगे, इस खड़ी रेखा को कहते हैं लवण सेतु। ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है लवण सेतु, किसको प्रदर्शित करता है लवण सेतु। ये लवण सेतु अब किसको प्रदर्शित करेंगे कैथोड को, कैथोड लिखते पहले धातु आयन को, धातु आयन कौन है कॉपर टू प्लस, कॉपर टू प्लस एक्वस ब्रेक में सांद्रता जैसे मेरी वन लेयर के वन है तो ये वन है, फिर दोनों के बीच में खड़ी रेखा ठीक है। फिर लिखते हैं धातु को, धातु कौन है कॉपर और एस यानी सॉलिड ठोस। इस प्रकार किसी भी अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया में ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। पहले किसको लिखते हैं एनोड को, बायोड डायोड किसको लिखते हैं कैथोड को, एनोड पहले किसको लिखते हैं धातु को, फिर किसको लिखते हैं धातु आयन को, दोनों के बीच में एक खड़ी रेखा कैथोड एनोड के बीच में ये दो खड़ी रेखाएं प्रदर्शित कर देती है, इसे कहते हैं लवण सेतु। बार बार मैं कह रहा हूं क्या कहते हैं लवण सेतु, जो ये दोनों को जोड़ रखा है। कैथोड पर लिखते हैं धातु आयन को, फिर लिखते हैं धातु को। इस प्रकार किसी भी अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया में ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे डायनल सेल में अपने को एग्जाम्पल दे, इस प्रकार ये अपना डायग्राम है डायनल सेल और डायनल सेल के संबंध में। इसके संबंध जो आगे का पार्ट है वो अपन करेंगे नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।